नमस्कार, मैं हूं सिल्की सिंह, आपके अपने टैरो कार्ड रीडर एनिमोलॉजिस्ट। और आज आज मैं आपका अपने चैनल पे से फिर से वेलकम करती हूं। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो आई वेलकम यू ऑल। और अगर आपने मेरे चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें। आपको यहाँ इंस्टाग्राम आईडी भी मिल रही होगी, आप मुझे जाके इस पर फॉलो कर सकते हैं फॉर डेली अपडेट। हाय माय डियर जेमिनाइज मिथुन राशि, तो कैसे हैं आप लोग? चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। तो जेमिनाइज की जनरल रीडिंग है, तो हो सकता है कि आप पे रेजोनेट हो और हो सकता है रेजोनेट ना हो। तो जो रेजोनेट हो वही लीजिएगा, जो नहीं उसको रहने दीजिएगा। और ये नेक्स्ट 15 डेज की रीडिंग है और ये टाइमलेस रीडिंग है, तो ये जब भी आपके स्क्रीन पे आए आप ये रीडिंग तब देख सकते हैं। लेट्स स्टार्ट। विन विन सिचुएशन, एस ऑफ कप्स, न्यू लव अप्रोचिंग योर वे, एनर्जी चेक इन। एक बार सारे कार्ड निकाल लेती हूँ फिर मैं आराम से समझाऊंगी, ठीक है? मैजिक एंड द मिरर मैजिशियन। ओके, एक चलो ठीक है, लेट्स स्टार्ट। तो ओवरऑल एनर्जी अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं एक अबंडेंस वाली एनर्जी है, या फिर अगर बोला जाए तो इस नेक्स्ट 15 डेज आप कहीं ना कहीं अपने ज्ञान को आगे बढ़ा सकते हैं, ज्ञान प्राप्ति कर सकते हैं, किसी का स्किल डेवलपमेंट कर सकते हैं, न्यू कोर्सेस में जा सकते हैं, या किसी तरीके से अपने आप को ही एक न्यू न्यू लेवल पर डेवलप करते हुए दिख रहे हैं। क्योंकि तो आपको 3 नंबर का कार्ड मिला है विच इज अ जुपिटर प्लैनेट, ठीक है? यहाँ पे सेकेंडली अगर मैं बोलूँ ब्लॉसमिंग एंड अबंडेंस, तो किसी का अबंडेंस आता हुआ दिख रहा है। इफ यू आर लुकिंग फॉर अ प्रमोशन, जॉब चेंज, तो और कुछ भी कम्युनिकेशन करना है, रिकनसाइल करना है किसी से, तो ऑब्वियसली यू कैन गो फॉर दैट, ठीक है? अगर हम आगे बात करें नेक्स्ट 15 डेज की, तो क्या होने वाला है? तो ऑब्वियसली हो सकता है कुछ लोगों के लिए न्यू लव इज अप्रोचिंग योर वे, या फिर अगर आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं तो कहीं ना कहीं उस रिलेशनशिप में एक न्यू लव, एक न्यू न्यू एनर्जीज, न्यू पॉजिटिव एनर्जीज आते हुए दिख रही हैं। बट अगर मैं आपकी बात करूँ जेमिनाइज, तो आप एक बहुत फ्री सोल हो, आपको आपको बहुत इंडिपेंडेंटली रहना पसंद है। और अभी शायद आप इंडिपेंडेंटली रह भी रहे हो, कहीं ना कहीं अपने आइडियाज पे फोकस कर रहे हो, कहीं ना कहीं अपने नॉलेज पे, अपने एजुकेशन पे, या जो भी काम आप कर रहे हो, जिस जो भी काम आपका फोकस जो है वो कहीं ना कहीं काम पे है, अपने आइडियाज पे है, अपने फ्रीडम पे है। आपका फ्रीडम जो है, यू आर लिविंग विथ योर फ्रीडम, ठीक है? अपने फ्रीडम को आप मेन इम्पोर्ट लाइक इम्पोर्टेंस देते हुए आप लाइफ जी रहे हो। कहीं ना कहीं आप बहुत, आपकी जो प्रॉब्लम, कहीं ना कहीं जो आपको प्रॉब्लम फेस कर रहे हो अभी अभी इस दिनों में, जब भी आप ये रीडिंग देख रहे हो, कहीं ना कहीं आप इंट्रोवर्ट होते जा रहे हो, या यू आर फीलिंग लाइक इंट्रोवर्ट। कहीं ना कहीं कुछ लोग जो है दे आर थोड़ा सा इंट्रोवर्ट हो रहे हैं, अपने आप को एक्सप्रेस करने में उनको प्रॉब्लम हो रही है। फोर ऑफ पेंटिकल्स जो है मुझे यही मतलब ये बात बता रहा है, या तो आप थोड़ा सा अपने आप पे ज्यादा फोकस करने लग गए हो, आप अपने आप को उतना उतना अच्छे से सामने वाले को, अपने पार्टनर को, या अपने जिस भी सिचुएशन पे आप हो उस वहां पे अच्छे से एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हो, और आप ज्यादा लोगों से मिलना जुलना नहीं चाह रहे हो। ऑल्दो अगर आप अपने आपके बारे में बात करें, तो कहीं ना कहीं यू आर फाइनेंशली स्टेबल, या फिर फाइनेंशियली स्टेबल यू आर इन योर ओन वे। अगर आप यहाँ पे भी देखो तो यहाँ पे, अगर यहाँ पे देखो तो शी हैज एवरीथिंग एंड शी इज वेरी मच अबाउट इट कि हाँ मेरे पास सब कुछ है, नाउ आई एम नॉट गोइंग टू गिव इट टू एनी वन। शी हैज दैट एटीट्यूड। अगर यहाँ पे भी देखो तो शी नोज वॉट शी हैज एंड शी हैज दैट एटीट्यूड। उसको पता है कि उसके पास क्या है, और वो उसी मतलब एक
उस एनर्जी में है कि आई नो आई हैव माई कॉन्फिडेंस, मेरे पास मेरा कॉन्फिडेंस है, या मेरे पास जो मेरे को चाहिए वो मेरे पास है, तो वो एक प्राइड के साथ आप मुझे आप कहीं ना कहीं एक कॉन्फिडेंस, एक प्राइड है जो माइंड के अंदर घूम रहा है, बट उस प्राइड के साथ साथ बहुत सारा कंफ्यूजन भी है कि कहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहिए, कहाँ पे जाना चाहिए, कहाँ पे नहीं जाना चाहिए, इनडिसाइसिव हो रहे हैं आप। कुछ पास्ट में ऐसा भी हो सकता है, कहीं ना कहीं किसी कॉन्फ्लिक्टिंग एनर्जी हुई, कुछ पॉलिटिक्स हुआ है ऑफिस में, वर्क कल्चर में, फैमिलीज में, कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स या कॉन्फ्लिक्ट या किसी तरह का डिस्प्यूट होता है वह दिख रहा है, किसी तरीके की बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हैं इस सिचुएशन में, या इस पर्सन के साथ बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हैं, कहीं ना कहीं सिचुएशन में ना बहुत सारे लोग इन्वॉल्व और इन्वॉल्वमेंट मेरे को बहुत दिख रहा है। बट अगर मैं इन नेक्स्ट 15 डेज की बात करूँ, तो कहीं ना कहीं बिकॉज ऑफ योर कम्युनिकेशन, बिकॉज ऑफ अ गुड कम्युनिकेशन, जब द वे यू कम्युनिकेट, आपको कहीं ना कहीं सक्सेस मिलते हुए भी दिख रही है। और यही कार्ड ये भी बोल रहा है ब्लॉसिंग ब्लॉसमिंग अबेंडेंस, और यही यही कार्ड भी बोल रहा है 6 ऑफ वॉन्स, कि कहीं ना कहीं से एक ग्रोथ, एक सक्सेस आते हुए दिख रही है बिकॉज ऑफ द कम्युनिकेशन, बिकॉज ऑफ द पीपल अराउंड यू। आप कैसे उसको यूज करते हो फॉर टू गेट अ विक्ट्री इज टोटली अपॉन यू। चलिए अब हम एंजल गाइडेंस ले लेते हैं आपके लिए, जो भी मैसेजेस, जो भी आपके दिमाग में क्वेश्चन है, सिचुएशन है, आप उसके बारे में पूछ सकते हैं अपने एंजल से, एंड योर एंजल्स आर गोइंग टू आंसर यू। लेट्स सी व्हाट एंजल गाइडेंस डू वी हैव फॉर जेमिनाइज। ओके चलो ठीक है। अगर आप कोई भी काम सोच रहे हैं कि ये होगा कि नहीं होगा, टेंशन में है, कंफ्यूजन में है, जो कि है माइंड में, यहाँ पे कंफ्यूजन है, तो उसका आंसर है यस, वो काम हो जाएगा। अगर कभी भी आपको हेल्प की जरूरत लगती है कि आपको दूसरों से हेल्प मांगनी चाहिए, आपको अपने गॉड से, अपने यूनिवर्स से, अपने एंजल से हेल्प मांगनी चाहिए, यू शुड गो फर्दर, आपको आगे जाके हेल्प मांगनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है आपके एंजल्स भी आपको कह रहे हैं कि जाइए और हेल्प मांगिए, जहाँ पे आपको लगता है कि आपको हेल्प की जरूरत है। जरूरी नहीं है कि आप हर एक काम खुद से ही करें, ठीक है। और अपॉर्चुनिटीज, अगर आपके लाइफ में अपॉर्चुनिटीज नहीं थी, तो अपॉर्चुनिटीज आते हुए दिखे, जैसे मैंने कहा आपके कम्युनिकेशन की वजह से। तो दैट दिस वॉज ऑल फ्रॉम माई साइड जेमिनाइज, आई होप आपको अच्छा लगा हो। अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा, अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। थैंक यू सो वेरी मच, नमस्ते।